ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਧੰਮਪਦ 48 ਤੁਫ ਬੱਗੋ कथा गाथा नंबर 48। सावत्ती में एक महिला का जल्दी विवाह हो गया। पहले थोड़ा जल्दी हो जाया करता होगा क्योंकि बाल विवाह प्रथा तो अभी भी रही है। उसके बच्चे हुए, उसे अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम था और इतना ज्यादा उसे आसक्ति थी, इतना ज्यादा उससे प्रेम था कि वो यह चाहती थी कि हर जीवन में और अगले जीवन में भी वही उसको पति मिले। ऐसा वो 24 घंटे अपने अंदर विचार करती रहती थी और ऐसी इच्छाएं को वो रखती थी और वो उसकी इच्छाएं बड़ी बहुत बलवती और बड़ी हो गई। इस उम्मीद से कि उसका पति उसे मिले, किसी ने उसे कहा कि अगर भिक्कों की सेवा करेगी तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो भिक्कों की भी बड़े तन मन से सेवा करती थी, उनको भिक्कू दान देना, उनको जो सामग्री जो दानवस होती थी वो दिया करती थी। एक दिन वो उनको सुबह उसने भिक्कू संघ को दान दिया और दान देने के बाद शाम को वो मर गई। सुबह दान भिक्कुओं ने जो भोजन किया और शाम को जब उसके मरने की खबर आई तो भिक्कुओं का मन बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि सुबह तक तो ठीक थी और उसके कर्म भी बहुत अच्छे थे, यानी कि इतने सत्कर्म थे कि भिक्कुओं की सेवा करती थी, धम्म भी सीखती थी, खाना भी वो खिलाती थी, सारे काम करती थी और कोई पाप भी नहीं करती थी, पाप कम भी नहीं था, फिर वो क्यों मर गई? इस जिज्ञासा के साथ में वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, गाथा नंबर 48, जो इस प्रकार है। तुफानी हेव पचिनंतं व्यासत मनसं नरं अतितैयेव कामेसु अंतको कुरुते वसं। तुफानी हेव पचिनंतं, तूफानी हेव पचिनंतं, सेम जो 47 के अंदर है, पहला सेंटेंस पूरा का पूरा सेम ऐसा ही है। तूफानी हेव पचिनंतं का है कि फूल चुनते हैं निश्चित ही। तूफानी माने फूल हो गए और हेव माने हो गया भी, यानी वास्तव में, और पचिनंतं का मतलब हो गया चुनते हैं, यानी चुने हुए। व्यासत मनसंग नरंग, ये भी लाइन पहली वाली जो गाथा है उसकी बिल्कुल सेम है। व्यासत मनसंग नरंग, व्यासत मनसंग का मतलब है जिसके मन युक्त है व्यसन से, जिसका मन व्यसन से युक्त है। व्यसन बहुत प्रकार के हैं, कोई सा भी व्यसन हो सकता है। अतित एव, अतित एव, अतित एव से मिलके बना है। अतित माने होता है अतृप्त और एव माने होता है भी, यानी कि अतृप्त भी। कामेसु, जो काम में या काम पर काम वासना में अतृप्त भी है। अनंत को कुरुते वसंग, अनंत को माने लास्ट में, अनंत को माने लास्ट वाला, यानी कि लास्ट में क्या होता है, मृत्यु होती है, तो यहां लास्ट का मतलब है मार से, मार। कुरुते, कुरुते माने करने वाला, जो करते हुए, यानी कि जो अनंत में अंत करने वाला करते हुए वसंग, वस में कर लेता है। इसका अगर हम हिंदी में सीधा सा मतलब है तो ये है कि वो जो महिला थी, उस महिला में एक काम का राग था, कामेशु इच्छा थी उसकी कि वो अपने पति को हर जीवन में पाए। ये जो उसे राग लगा हुआ था, ये जो उसे व्यसन लगा हुआ था कि अपने पति की इच्छा का 24 घंटे, ये उसका बहुत बड़ा हो गया और इस व्यसन के चलते ही अंत में जो मार है उसे उसने अपने वश में कर लिया और मृत्यु प्राप्त उसको हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगता है कि जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी में राग और द्वेष और मोह मूर्ता तीन चीज हैं जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें दुख देती हैं। अगर आपको बहुत अच्छा खाना है कोई और खाना ही है, खाते 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 भी आप मर सकते हैं क्योंकि आपको खाने का व्यसन है, खाने का राग है। तो खाना बहुत अच्छी चीज होती है, मगर अच्छी अगर उसकी मात्रा जानते हैं तभी अच्छा होता है। अगर आप मात्रा से अधिक या मात्रा से कम लेते हैं तो वो खाना आपके लिए नुकसानदायक होगा, वो आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, मच्छुकरण।
किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं शराब नहीं पीता क्योंकि मैं व्यसन नहीं करता, और रात को उसको दूध पिए बिना नींद नहीं आती और बिना दूध के वो करवट बदलता है, तो शराब में और दूध में दोनों ही व्यसन हैं, क्योंकि शराब के बिना भी करवट बदलता है और दूध के बिना भी करवट बदलता है। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं बिना कार के चल नहीं सकता, तो उसे कार का व्यसन लग चुका है, वो कार नहीं मिलेगी तो वो छटपटाएगा, परेशान होगा, उसकी मच्छू उसे घेर लेगी, उसकी मृत्यु उसको वश में कर लेगी। यानी कि यहाँ कामना उसकी है कि पति उसे चाहिए, पति को जनरल भाषा में कह सकते हैं कि अच्छी बात है, बहुत प्यार है और पति उसे मिलना चाहिए क्योंकि पति की इच्छा है और ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर राग इतना ज्यादा और राग है कि राग अनंत उसको बुराई में बदल देता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि मध्यम मार्ग में चलना है, जो जीवन को अच्छे तरह से करना है उसमें अति नहीं करनी है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस अवस्था में जीवन को जीना चाहिए जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए, क्योंकि जो भिक्खु हैं, जो मंक हैं, जो भिक्खुणी हैं, उनके नियम तो बिल्कुल अलग हैं, मगर जो भगवान बुद्ध ने ग्रस्तों के और राजाओं के या आम नागरिकों के या जो कामकाजी लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके अलग अलग नियम बताए हुए हैं। उसी नियम के तहत में उन्होंने ये कहा कि उस महिला को इतना ज्यादा व्यसन लग गया पति का, इतना ज्यादा वो पति प्रेमी हो गई, इतना ज्यादा वो पति पूजक हो गई, उसको 24 घंटे वो पति चाहिए, उस वजह से राग उसका सारा का सारा देश में बदल गया, और राग जितना भी देश में बदलता है वो अनंत मृत्यु की तरफ लेके जाता है। ये ठीक ऐसे है जैसे किसी व्यक्ति को अगर पैसे कमाने का राग लग जाए और जब उसको पैसा नहीं मिलता है तो उसको चिड़चिड़ाहट या परेशानी होती है, उसके शरीर में कुछ 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 खराब खराब होने लगता है और वो बीमार होने लगता है, उसको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकती है, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, और वो मृत्यु उसको प्राप्त कर सकती है, मृत्यु अपने वश में कर लेती है। इसलिए पैसे कमाना अच्छा हो सकता है मगर पैसे कमाने का राग अनंत द्वेष में बदल जाएगा और व्यक्ति को मार देगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
साधु।